मेरे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता एंड वेलकम बैक टू हेल्दी अड्डा। तो आज हम आ गए हैं राजेंद्र प्लेस में और हम आए हैं फूड बस ऑफ इंडिया में, जो कि बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है दिल्ली में। एक बस के अंदर है और यहाँ पे सिर्फ खाना ही सर्व नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सिटिंग स्पेस भी अवेलेबल है, वो भी दो फ्लोर्स पे, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। और हमेशा ज़्यादातर ये पैक भी रहता है, हमेशा यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। देखते हैं खाना यहाँ पे कैसा है, टेस्ट कैसा है, प्राइस कैसा है, वर्थ द मनी है कि नहीं, कुछ हेल्दी खाना हमें मिल पाता है कि नहीं। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आया अपने दोस्त, अपने सिंगर दोस्त पुनीत के साथ। हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बाकी तो जाके पता चलेगा। ऑर्डर तो हमने कर दिया है, लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। तो ये हमारा आ गया है पनीर चटपटा कोलकाता स्टाइल रोल। लेट्स ट्राई। फ्लेवर्स भी बहुत ही अच्छे इसमें हैं, काफ़ी सारे इन्होंने सॉसेस और मसाले यूज़ करे हैं, चटनियाँ यूज़ करी हैं, जिसका बहुत ही रिच फ्लेवर आ रहा है। तो पहली डिश हमारे को काफ़ी अच्छी मिली। तो भाई, पंजाबी बंदों को टेस्ट चाहिए बढ़िया, खाना पीना उनकी ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो अब चलो टेस्ट करके देखते हैं और जो होगा हम सच बोलेंगे, झूठ तो बोलने हमारी आदत ही नहीं है। बहुत बढ़िया टेस्ट है, इस तरीके से भुर्जी की तरह इसके अंदर जो अंदर मैटर डाल रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस ये काफ़ी बल्की एंड हैवी सा है, तो अगर आप ये पूरा एक रोल खा लेंगे तो उसमें भी काफ़ी पेट भरने का चांस है। तो मेरे हिसाब से बढ़िया टेस्ट है, 10 में से 8 नंबर तो पक्का है यार। तो वो हमारी दूसरी डिश आ गई है, हमारी दूसरी डिश है मलाई सोया चाप, और वो FBI फूड बस ऑफ इंडिया की स्पेशलिटी भी है। देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ये हमने लगाई हरी चटनी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सेक रखी है, रोस्ट भी बहुत अच्छे से करके है। और ये जो मलाई का फ्लेवर है ना, देखो इस मलाई में काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स भी इन्होंने डाल रखे हैं, और चटनी भी काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रही है। वर्थ द प्राइस है कि नहीं, वीडियो के लास्ट में देखते हैं। इट्स गुड, टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो ये है हमारी शकरकंदी की चाट, जो कि है हमारा विंटर डिलाइट, और बहुत हेल्दी भी होता है। तो फाइनली वी गॉट समथिंग हेल्दी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। और इन्होंने ये स्टार फ्रूट भी दिया है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट करके बताना, शायद इसको मैं हरी चटनी के साथ खाना पसंद करूँगा। तो थोड़ी सी हरी चटनी लगा के देखते हैं। अच्छा है, लेकिन जो गली में स्ट्रीट हॉकर्स जो देते हैं ना, वो स्वीट पोटैटो, उसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल होता है, इमली वगैरह डाल के जो होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मीठा बनने इसमें ज़्यादा है, ओवरऑल ठीक है, बट मैं इसको एवरेज की कैटेगरी में ही रखूँगा, 6 या 7 पॉइंट लगा सकते हैं आप 10 में से। बट हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा नींबू ज़्यादा होता वो तो चलो हम ऊपर से डाल भी सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल इट्स वेरी गुड, बट हाँ टेस्ट पे थोड़ा और काम हो सकता था। तो ये है हमारे पास मिक्स बेरी कूलर, और ये हमारे पास लेमन एंड मिंट कूलर। पहले ट्राई करते हैं मिक्स बेरी कूलर। ठंडा मीठा, बेरीज का फ्लेवर और लेमन का फ्लेवर, अच्छा
ये भी अच्छा है, इसमें मिंट का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है और उन्होंने पूरा उसको ना मतलब स्लश बना दिया है, अच्छा है। मेरे को तो अच्छा लगा, ये वाला ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा, मिक्स बेरीज का फ्लेवर भी सही है। और जो ये है लेमन एंड मिंट कूलर, ये इनकी सिग्नेचर डिश भी है, तो अच्छा है, यू कैन ट्राई दिस। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई करी और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे को काफ़ी अच्छी लगी। सबसे पहले बात करते हैं शकरकंदी चाट की, तो वो थी 175 रुपीज़ की, बहुत अच्छी क्वांटिटी में थी, फ्लेवर अच्छा था, थोड़ा सा इन्होंने मीठे साइड पे रखा है, बट आई गेस कि स्ट्रीट फूड से हमारे को यहाँ के फूड को कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो अच्छा था। फिर हमने खाया कोलकाता पनीर रोल, 220 रुपीज़ का रोल था और डेफिनेटली वर्थ द मनी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में पनीर था, बहुत अच्छी सॉसेस थी। फिर हमने खाया मलाई चाप रोल, मलाई चाप रोल भी काफ़ी अच्छा था, वो था 180 रुपीज़ का और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी, और साथ में उन्होंने यहाँ पे लच्छा पराठा भी दिया हुआ था। उसके बाद हमने लिए दो कूलर्स, और कूलर्स अराउंड 100 रुपीज़ के थे दोनों, और दोनों में ही काफ़ी अच्छा फ्लेवर था, क्वालिटी अच्छी है। तो ओवरऑल यहाँ का सारा ही खाना काफ़ी बढ़िया लगा, अच्छे प्राइस पर मिलता है, अच्छी क्वान्टिटी है, हाइजीन बहुत अच्छे से मेनटेन कर रखा है, सर्विस अच्छी है, मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ओवरऑल सब चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लगी। यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर्स भी देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे वही ऑर्डर भी कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम हम आपको और चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। अगर अभी तक आपने जगन्नाथ रेस्टोरेंट का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो चेक कर लीजिए, फाइनेस्ट साउथ इंडियन फूड इन दिल्ली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। तो भाई मेरा दोस्त शिवम लेके आया मुझे, मज़ा बहुत आया, ठीक है यार, ओवरऑल फन था, डेफिनेटली आई विल विजिट नेक्स्ट टाइम एज वेल। चलिए शिवम अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।